हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करेंगे इंदुलेखा भृंगा शैम्पू के बारे में। ये शैम्पू का नाम इंदुलेखा भृंगा हेयर क्लींजर रखा गया है क्योंकि ये आयुर्वेदिक हर्ब्स और उनकी प्रॉपर्टीज से भरपूर है। इसका प्राइस है 234 रुपीज़, बट मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया था तो मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में 210 रुपये में मिला। अगर आप भी इसका ऑनलाइन डिस्काउंटेड प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, वही थीम है जो इसके हेयर ऑयल की थी। और इसके अंदर है एक फ्लिप टॉप कैप, बहुत आसान है इसको यूज करना भी। इसका मेन इंग्रेडिएंट भृंगराज है जो कि बालों की बहुत अच्छी हेल्थ के लिए जाना जाता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाया गया है जो इसको एक हर्बल प्रोडक्ट बनाती हैं। और इसके अंदर है आंवला, तुलसी, नीम, मध्यंतिका, शिकाकाई, रोजमेरी। भृंगराज को बालों की हेयर ग्रोथ को एनहांस करने के लिए जाना जाता है। आंवला जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है, वो हमारी बालों को ना केवल एक अच्छी क्लींजिंग देता है बल्कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी बढ़ा देता है और साथ साथ हेयर ग्रोथ को भी एनहांस करता है। तुलसी की हम बात करें तो तुलसी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नीम भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। अब अगर बात करें, इसमें शिकाकाई भी है। जो शिकाकाई है वो नेचुरली हमारे बालों में झाग क्रिएट करता है और नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। रोजमेरी इसके अंदर इसकी खुशबू के लिए डाला गया है। ये शैम्पू सल्फेट और पैराबिन फ्री है और साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्रेग्रेंस इसके अंदर नहीं डाला गया है। इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है मेनली वो रोजमेरी का फ्रेग्रेंस है और जो हर्ब्स का मिक्सचर इसके अंदर है वो उसका फ्रेग्रेंस इसके अंदर आता है। और इसका फ्रेग्रेंस भी उतना कुछ अच्छा नहीं है कि आपको बहुत पसंद आए, लेकिन वही हर्बल फ्रेग्रेंस है। बट इसकी एक अच्छी बात है कि ये आप जब हेयर वॉश करते हैं तब आपको थोड़ी देर के लिए वो फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन उसके बाद में कुछ ही देर में वो फ्रेग्रेंस चली जाती है। इस शैम्पू को यूज़ करते हुए मुझे 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया है और मैं अपने बालों को वीक में 3 टाइम्स शैम्पू करती हूँ। अगर मैं अपने बालों की बात करूँ तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं और ऊपर जो स्कैल्प है वो नॉर्मल स्कैल्प है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। और ये शैम्पू बहुत अच्छा काम करता है। ये शैम्पू यूज़ करने के टाइम पे थोड़ा सा लेने पर ये बहुत अच्छा झाग क्रिएट करता है। एक हर्बल प्रोडक्ट होने के बावजूद ये बहुत अच्छा झाग क्रिएट करता है, तो ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इसका कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको निकाल करके देख लेते हैं, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है। ये शैम्पू बहुत अच्छे से काम करता है, इसका मेरे वालों पर बहुत अच्छा इफेक्ट रहा। ये नए हेयर ग्रो करता है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हेयर फॉल में मुझे काफ़ी राहत मिली है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसके हेयर ऑयल से तो हेयर ऑयल ने इतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मुझे दिखाया नहीं था जितने की उसकी प्राइस थी, लेकिन शैम्पू बहुत इफ़ेक्टिव है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।